Hey, good morning, guys. What's up? Okay, I'm all set to explore Udaipur, and look at me. I'm all set with my action camera, with my mic, my earphones, everything. So I'm ready to leave the hotel room, and नीचे एक्टिवा वेट कर रही है. मैंने ऑलरेडी रेंट पे ले लिया है, और लेट्स सी कितना प्लेसेस कवर कर सकते हैं आज के दिन में. सो या ओके, चेक दिस आउट. ऑलराइट, सो हियर इज माय एक्टिवा, और इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है. ये देख रहे हैं आप, कबूतरों का कमाल. 10 मिनट से लगा हुआ हूँ, साफ नहीं हो रहा है, इतना बुरी तरह से चिपक गया है. एंड ऑफ कोर्स मेरे बाइक की भी बैंड बजा के गए. फुल ऑफ शिट मैन. चलो साफ करते हैं, देन आई विल गेट बैक. ओके, सो ये रहा हमारा आलू और गोभी का पराठा. ये आलू है, इसके नीचे गोभी है. एनीवेज, ऑल थैंक्स टू आंचल, शी बॉट अस हियर. इनफैक्ट मेरे को 2 दिन उदयपुर यहीं घुमाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 साल से डेंटिस्ट बनने की कोशिश कर रही हैं. होप सो कि अच्छी डेंटिस्ट बन जाए. एनीवेज, तो इसके बाद कहाँ घूमने जाएंगे आंचल? सिटी पैलेस. सिटी पैलेस, ओके. उसके बाद कुछ सोचा है? डिसाइड करते हैं. ओके, तो डिसाइड करेंगे जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे प्लान बनता है. सो फर्स्ट वी गो टू सिटी पैलेस, बट आफ्टर ईटिंग दिस. ओके, सो वी हैव फाइनली रीच्ड टू सिटी पैलेस, एंड हियर इज समथिंग बिहाइंड मी शोइंग. व्हाट इज दिस? हाथियों का हल्का, आई डोंट नो, it's a map or maybe something. Okay, check this out, the entrance. So all these were Maharajas who contributed in building of this city palace. That's what it's been said. That's historic.
सेलरी की अपॉन बोन छ सेला रेजो के अपॉन अपॉन आ आंत देला रेजो दिमाग रे दे पाले पछि कमसा काम न आंत सो वी आर फाइनली डन ये पूरा जो सिटी पैलेस पूरा घूम के हो गया है बहुत भूल भुलैया है अंदर से एंड जब पूरा पैलेस जो है आई मीन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इट हैज़ टेकन 26 जनरेशन्स आई इसलिए मेरे बाजू में खड़ा रखा है अब आपको समझ में आया पूरी हिस्ट्री पता है इनको ओके सो 26 जनरेशन्स को लगा ये पूरा बिल्ड करने में और इस तरह से बनाया आर्किटेक्चर कि पता नहीं पड़े कि ब्रेक बाय ब्रेक में बनाया दिस इज़ नॉट मेड इन वन शॉट दिस इज बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओके दैट्स द स्टोरी बिहाइंड इट एंड व्हाट एल्स अभी हो रहे हैं 12 यहाँ पे आए थे हम लोग 10:30 बजे यहाँ पे 10:30 बजे आए थे एक इतने में तो कुछ नहीं घुमा भाई लोग एटलीस्ट एक दिन तो पूरा चाहिए ही चाहिए इतनी बड़ी जगह है मैंने आधी चीज़ें स्किप कर दी क्योंकि लोग बहुत थे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर नहीं पा रहा था सो आई डिडंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम ऑन जस्ट दिस वन प्लेस आई गॉट टू डेज एट उदयपुर एंड आई नीड टू बी एट अदर प्लेसेस टू एंड शूट अदर प्लेसेस टू सो या 12 बजे निकलते हैं यहाँ से जाते दूसरी जगह मैं मेरा पानी दो बना देना एक दे दे एक और बना दे एक पानी वाला दे दे और एक और बना दे
पानी वाला है भाई, एक और बना दे प्लीज। ओके जरूरी नहीं, मैं कभी भी एडिट कर सकता हूँ, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, अब नहीं बोलूंगा क्या करेगी। ओके वी आर एट गंगोर घाट राइट नाउ एंड द प्लेस दैट यू सी बिहाइंड मी इज इट्स अ म्यूजियम, इट्स नेम एज बगोर की हवेली। ओके चेक आउट द प्लेस गाइस। Okay, the one you see behind me, the white color one, that is Jag Mandir. और उसके पीछे जो है you'll have to, is it visible? Okay, not with naked eye, लेकिन उसमें देखेगा. And that is Hotel Lake Palace, but we'll, that is Hotel Lake Palace, but we'll go close and we'll check it out in the evening if we get time. If not today, then tomorrow for sure. So we are here at सहेलियों की बाड़ी। I don't know about सहेलियाँ, लेकिन यहाँ पे पूल है, ये उनके लिए पूल। एक काम करता हूँ, ये हमारी गाइड है यहाँ की लोकल आंचल जी, ये हमें बताएंगी कि ये क्या चीज़ है, ये जगह किस लिए बनाई गई थी, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, कब बनाई थी, कैसे बनाई थी। कैसे बनाई थी मुझे नहीं आता। ओके जितना पता है वो आपको बताएंगी। यस आंचल प्लीज हेल्प विथ सम नॉलेज। सो ये महाराणा संग्राम सिंह जी द सेकेंड ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था, क्योंकि जब वो शादी करके आई थी तो उनके साथ 48 मेडन आई थी। कट कट कट, इतना थोड़ी बोलना होता है, शॉर्ट में पूरा हिस्ट्री नहीं बोलना है। तो इससे बाय द वे शी इज डूइंग डेंटिस्ट एंड शी इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, पूरा टाइम हिस्ट्री पढ़ती रहती है। यार इतना डीप में मत जा, शॉर्ट में बता। तो रीटेक रीटेक स्टार्ट। ये महाराणा संग्राम सिंह जी द सेकेंड ने अपनी वाइफ को बना के दिया था, तो स्पेंड सम लेजर टाइम हियर विद हर 48 मेडन्स जो उनके साथ आई थी। दिस इज अ स्विमिंग पूल। हां सो दिस इज अ स्विमिंग पूल। वाओ अपना स्विमिंग पूल कब ऐसा बनेगा भाई लोग। कम ऑन लेट्स चेक इन आउट। अंदर कुछ है चेक करने के लिए? म्यूजियम। म्यूजियम लेट्स चेक आउट द म्यूजियम। तो अंदर म्यूजियम था, कैमराज वर नॉट अलाउड, सो अनफॉर्चुनेटली कैमराज बाहर रख के हमको अंदर जाके आना पड़ा। द प्लेस वॉज नाइस, द म्यूजियम वॉज गुड, बट अगेन आप यू हैव टू बी हियर पर्सनली टू चेक आउट द म्यूजियम। आई कैन नॉट, कैमराज वर नॉट अलाउड, सो आई कुडंट शो यू गाइस इनसाइड। या उसके अलावा तो दिस इज द एंट्रेंस गार्डन, और चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है गाइस। There is huge garden, बहुत बड़ा garden. Again, it will take at least half an hour, 45 minutes if you want to visit both the sides of the garden. तो ये है
सहेलियों की बाड़ी. ऑफ कोर्स सहेलियों की बाड़ी मींस व्हाट? बाड़ी मींस गार्डन, ट्री, स्विमिंग पूल, प्लेस ऑफ लेजर फॉर द प्रिंसेस. करेक्ट. क्वींस. और कुछ? ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ट्रीज, बटरफ्लाई. If you could see this, that's butterfly. Beautiful, colorful flowers. चलो बाहर चलते हैं. नेक्स्ट कौन सी जगह करनी है भाई? एक्चुअली क्या ना, हाथ में अपने पास 2 दिन ही है, तो जितना हो सके हम सब जगह पे थोड़ी थोड़ी देर जाके जितना हो सके थोड़ा बहुत शूट करके आई एम पुटिंग इन टू अ व्लॉग. दैट्स ऑल आई कैन डू इन 2 डेज, क्योंकि उधर में बहुत सारी जगह है एक्चुअली. यू कैन नॉट कवर अप इन 2 डेज, यू हैव टू से एटलीस्ट फॉर अ वीक. तो आप एक से एक चीज़ एकदम माइन्यूटली बरोबर से आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे. लेकि उसके अंदर जाके आप सेल्फी ले सकते हो, आपकी ले सकते हो, अलग इनकी ले सकते हो. ये देखिए आप, ये इसकी एबिलिटियाँ हैं. भारत की सबसे बड़ी फिश गैलरी, 150 टैंक, देश विदेश की रंगीन मछलियाँ. टैंक के अंदर जाकर फ़ोटो लेना, उसका कोई चार्ज नहीं है. मछलियों को छूने का अनुभव, एलिगेटर थीम और APM 3DA. किधर है ये? फतेह सागर पार्क है, यहाँ से 1 किलोमीटर 10 दूर है. ये सब है? हाँ सब है. टोटल भारत की सबसे बड़ी फिश गैलरी है, बॉम्बे, कलकत्ता, भोपाल से बड़ी है. पूरा ऐसी है, देखने का टाइम पीरियड चीज है जो आंचल ने मुझे बताया नहीं अब तक. मेरे को नहीं पता. अंडर द सन गूगल पे रिसर्च करिए ना. मेरे को नहीं पता, 4 साल से यहाँ पे करके आ रही है आंचल. व्हाट आर यू डूइंग? फतेह सागर पाल पे कितना टिकट का? 124 रुपए ओनली फॉर यू. सबका लेंगे, सबका, कोई नहीं बचेगा. तो हम आए हैं लेक पिचोला बोटिंग करने. कितना देर का बोटिंग होगा वो तो मुझे भी नहीं मालूम. अभी बहुत चले तब, अब तक कोई मेंबर्स भरे नहीं है, शायद हम दोनों ही हैं. बाकी इतने लोग हैं जितना आपको दिख रहे हैं पीछे. सो यार, वी आर वेटिंग फॉर द गाय टू कम एंड टेक अस. बस थोड़े और जने आ जाएंगे तो हम निकलेंगे. And let's figure it out. Thank you.